फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं एक्जी के बारे में। तो एक्जी का रिसेंटली जो ट्रैक ड्रॉप हुआ है परवा, तो इस ट्रैक के बारे में एक्जी पर एलिगेशन लगाया जा रहा है कि एक्जी ने इस ट्रैक के लिरिक्स और कंपोजिशन कॉपी की है। तो इस रील पर एक्जी ने भी रिएक्ट किया है। पर मुझे भूल ना पाएगा तेरा दिल। तो इस रील पर कमेंट करते हुए एक्जी का कहना है दे डू एनीथिंग फॉर क्लाउट। तो आर्टिस्ट का नेम है तैयब जिनका एक्जी ने ट्रैक कॉपी किया है। तो उनका एक्जी को रिप्लाई करते हुए कहना है दे इवन ट्राई टू कॉपी अंडररेटेड आर्टिस्ट अज्यूमिंग नो वन विल नोटिस। और फिर उनका कहना है क्लाउट डैश तुझे सुनता कौन है। तो अब बात कर लेते हैं उमर अंजुम के बारे में। तो एसन की रिसेंटली जो एल्बम ड्रॉप हुई है डस्का, जिसके बारे में उमर अंजुम का एसन का नेम मेंशन करते हुए कहना है एसन माई ब्रो नेवर फेल्स टू इम्प्रेस। तो इस पर एसन का कहना है सो कॉल्ड टूपाक के पापा मेरा भाई उमर अंजुम नोज एवरीथिंग। तो अब बात कर लेते हैं तला यूनुस के बारे में। तो तला यूनुस की रिसेंटली जो शिकवा ट्रैक की म्यूजिक वीडियो ड्रॉप हुई है, जिसके बारे में शारी अख्तर का कहना है म्यूजिक वीडियो ऑफ द ईयर, सैवेज का कहना है किंग एंड बोलजानी ने भी इसको शेयर किया है। तो अब बात कर लेते हैं सीधे मौत के बारे में। तो सीधे मौत के डिस्ट्रैक के बाद SOS का एक और डिस्ट्रैक ड्रॉप हुआ है। ट्रैक का नेम है रस्में चहारूं। तो इस ट्रैक के बारे में सीधे मौत का कहना है थोड़ा और टाइम लेके लिख लेते। इसके अलावा SOS का अपने डिस्ट्रैक रस्में चहारूं में कहना है कि उनका एक और डिस्ट्रैक आएगा जिसमें वो सीधे मौत से सबूत के साथ बात करेंगे। मैं सबूत के साथ मिलता हूं तुमको, मिलते अगले गाने में। एंड ओनकोर ने SOS के लिए एक स्टोरी लगाई है जिसमें ओनकोर का कहना है बीफ कल्चर फॉर व्यूज 10% स्किल्स एंड 90% एम्प्टी एलिगेशंस नो मोर सॉन्ग्स ऑन दीज क्लाउन्स एनीमोर। अब आगे से जो भी एलिगेशन आएंगे हम किसी इंटरव्यू पॉडकास्ट में क्लियर कर देंगे। न्यू म्यूजिक ऑन द वे। तो अब बात कर लेते हैं उमर के बारे में। तो डिवाइन और करण ओजला की जो एल्बम ड्रॉप हुई है स्ट्रीट ड्रीम्स, तो इस एल्बम पर स्पॉटिफाई पे 100K स्ट्रीम्स कम्प्लीट हो चुके हैं। तो इस पर उमर का कहना है 100 million ऑन अ प्रोजेक्ट आई डिड विद माई ब्रदर्स करण ओजला एंड डिवाइन। तो अब बात कर लेते हैं फादी के बारे में। तो फादी का रिसेंटली जो ट्रैक ड्रॉप हुआ है राइडिंग अलोन, तो इस ट्रैक के बारे में बात करते हुए फादी का कहना है कि वो मुहर्रम से पहले अपना नेक्स्ट ट्रैक ड्रॉप कर देंगे। फादी का कहना है इफ राइडिंग अलोन क्रॉस 50K इन अ डे अनदर ट्रैक विल बी रिलीज्ड बिफोर मुहर्रम। तो अब बात कर लेते हैं पैंथर के बारे में। तो पैंथर ने अपने नेक्स्ट ट्रैक का कुछ ऐसा स्निपेट शेयर किया। बहू तुम्हारे जैसे लगते खुश तुम्हारे साथी हैं पर जिंदगी में तंग है बाहों में तेरी सुकून तू जितनी दूर है उतनी जंग है ज्यादा मिलती रहती है तो फिर भी तेरा मिलना कम है देखे जरा सा कुछ। इसके अलावा समीर रैना का अपनी रीसेंट लाइव स्ट्रीम में कुछ ऐसा कहना है there is too much that goes behind closed doors that you don't know about bro that's what shit gets ugly then everything comes out। अब बोलो भाई भाई को शांत करा मुंह तो जोन में चला गया भाई खा गया भाई निकाला था सीधे मौत ने दैट वाज जस्ट लाइक टू फ्लेक्स की फ्लो का खजाना देखो तुम फ्लो का खजाना जो काम और अंकुर ने किया है वो लास्ट दो वर्ष में भाई उधर दैट इज द फ्लेक्स। ये देखो फ्लो और काउंटर नहीं आया अब आया काउंटर अब क्या है अब बताओ भाई अब काउंटर भी आ गया भाई क्रेजी भाई। That's it. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।